ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष का वर्णन हमको वेदों, उपनिषदों में, शास्त्रों में कई जगह मिलता है। शिव पुराण में रुद्राक्ष के बारे में ये कहा गया है कि रुद्र जमा अक्ष, रुद्र यानी भगवान शिव, अक्ष यानी कि आंसू। जब बहुत लंबी मेडिटेशन के बाद, बहुत लंबे ध्यान के बाद शिव जी ने अपनी आँखें खोली, अपने नेत्र खोले, तो उनकी आँखों में से आंसू निकले और वो उसी की कंडेंस्ड फॉर्म, उसी का ठोस फॉर्म जो है वो रुद्राक्ष बन गए। रुद्राक्ष शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आप कभी भी शिव जी की कोई फ़ोटो देखते हैं तो हमेशा देखते हैं कि उन्होंने गले में रुद्राक्ष पहने हुए होते हैं। और कभी योगी सन्यासी आप कभी किसी से मिले तो देखें कि उन्होंने हमेशा गले में हाथों में वो पहने हुआ होता है रुद्राक्ष। क्यों पहना होता है? रुद्राक्ष के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, दिमाग में अगर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो मन को शांत करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस बस्टर है ये बहुत बड़ा। अगर आपको ध्यान करना है तो आप रुद्राक्ष पहने। अच्छा, ध्यान करने, ये जो मेन ध्यान रखने की जो बात है वो ये कि रुद्राक्ष नकली ना खरीदें। अक्सर क्या होता है, मार्केट में नकली रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। उसके लिए आप ये छोटे सा तरीका कर सकते हैं कि गर्म पानी में ज़रा उसको रख के देखें कि अगर वो नकली कार्विंग होगी, नकली उसमें कुछ बनाया गया होगा, तो वो गर्म पानी में रखने से वो उसका कलर वगैरह निकलेगा तो आप समझ जाएंगे कि जी नकली है ये। रुद्राक्ष शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। ये आप बहुत तरह के रुद्राक्ष अवेलेबल होते हैं, बट आम तौर पर हम 14 तरह के रुद्राक्ष ही रिकमेंड करते हैं। जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष रिकमेंड किया जाता है सन, जिसका कमज़ोर होता है कुंडली में। दो मुखी रुद्राक्ष रिकमेंड किया जाता है जिसकी कुंडली में मून थोड़ा कमज़ोर होता है। तो अलग अलग प्लैनेट्स को देख के अलग अलग हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं कि ये चीज़ कमज़ोर है तो आप इस तरह का रुद्राक्ष पहने। तो ये थी रुद्राक्ष के ऊपर चर्चा। फिर किसी एक नई जानकारी के साथ दोबारा मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।